धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। ब्रेकिंग न्यूज, प्रयागराज के रामपुर में रखा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रामपुर कर्शना में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम जी का जोरदार स्वागत। आज रामपुर में जीवनदीप हॉस्पिटल के सामने समाजवादी पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ अतिथि माननीय उज्ज्वल रमण सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक कर्शना मौजूद थे। पूरे कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर गुलाम मुस्तफा उर्फ लाल मियां व डॉक्टर हूर फातिमा, वरिष्ठ समाज सेवी व नेता के सौजन्य से किया गया, जिसमें क्षेत्र के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण इकट्ठा हुए, जिसमें नरेश उत्तम पटेल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 साल से जंगल राज है, ना तो रोजगार है, ना माताएं बहनें बेटियां सुरक्षित है, ना किसानों को कोई सुविधा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों के सवाल में कोरोना काल में वित्त विहीन शिक्षकों के रोजगार को छीनने के सवाल में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बताया कि यह सरकार की विफलता को दर्शाता है। वहीं पर आदरणीय उज्ज्वल रमण ने कहा कि MLC मान सिंह यादव जी को समाजवादी प्रत्याशी को वोट देकर भारी से भारी मतों से जिताएं। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ यह बता रही है कि मान सिंह यादव को कोई हराने वाला नहीं है। मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित जिला अध्यक्ष योगेश यादव जी, पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह पटेल, संदीप पटेल, सदस्य जिला पंचायत वार्ड नंबर 63 रविशचंद्र तिवारी, ब्लॉक प्रमुख कर्चना विजयराज सिंह, जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड अच्छेलाल यादव, शाहबाज हक, केशव विश्वकर्मा, डॉक्टर अफजल, केशव विश्वकर्मा, डॉक्टर अफजल, शिव यादव विकास, सनील अहमद आदि बहुत से कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कर्शना से पत्रकारों ने कुछ तीखे सवाल पूछे, जिसका की जवाब बड़ी बेबाकी से दोनों ने दिया। प्रयागराज जिले से सुहेल अक्रम की रिपोर्ट। लक्ष्य है कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद शिक्षा के संबंध में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाएंगे, और स्कूल के लिए जो भी सुविधाएं नहीं है, कॉलेज में स्कूल में जो भी समस्याएं रहेंगी, शिक्षकों के लिए और अध्यापकों के लिए जो भी रहेगा उस सब में उनकी सहायता की जाएगी। जो बहुत सारे वित्त विहीन स्कूल हैं उसके टीचर जो हैं, 4 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खुली छूट दे दिया। हत्या, डकैती, लूट, राजनी, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से फेल है। जनता त्राहिमाम कर रही, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो या पत्रकार साथी हो, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ पैसा लेकर के अपने घर से जानकारी देकर बाहर जाता है तो उसे लूट लिया जाता है। और जैसा आपने अभी खुद कहा कि पत्रकार भाइयों ने लगातार अपने चैनल के माध्यम से और अपने अखबारों के माध्यम से जगह जगह की घटनाओं का जिक्र किया, सरकार को चेताया, विपक्ष ने भी अपनी बात को रखा सदन से लेकर सड़क तक कि अपराध नहीं रुक रहे, अपनी पॉलिसी ठीक करिए, जो आपकी पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन सरकार हवा हवाई बातें कर रही है कि हमारे जमाने में अपराध कम हुआ है, फर्जी आंकड़े दे रही है। सर, आज का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसके लिए आपका क्या कहना है? सही कहा, 14 करोड़ अब तक रोजगार होना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए, और यहाँ अभी जो है 1 लाख भी का रोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। और सरकार रोजगार समाप्त कर रही है, सरकार विभागों में छटनी कर रही है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रही है, सरकार द्वारा लोगों को निजीकरण की तरफ प्रेरित किया जाता है और पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, और सारी चीजें निजीकरण संस्थाओं में दी जा रही हैं, जो इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। सर, ये MLC का चुनाव